गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ योर सोशल साइंस क्लास एंड वी वर डिस्कसिंग अ थर्ड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल बुक्स, दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सो हमने इसको ऑलरेडी 4 वीडियोस में बहुत डिस्कस करा है, जिसमें हमने देखा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और इलेक्शंस में क्या डिफरेंस होता है और कि कौन है जो नॉमिनेट हो सकते हैं इलेक्शंस में, कौन लोग हैं जो कि नॉमिनेट नहीं हो सकते, या कौन है जो वोट दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इनमें फॉलो करनी होंगी। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आर न्यू टॉपिक, दैट इज़ पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब जो पोलिंग होती है, मतलब पोलिंग इन द सेंस जहाँ वोट देने जाते हैं उस जगह को बोलते हैं, एंड काउंटिंग ऑफ वोट, तो ये होता कैसे है हम इसको देखेंगे। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। सो फाइनल स्टेज क्या होता है किसी भी इलेक्शन का, सबसे पहले क्या होता है कि मतलब डिसाइड किया जाता है वोट्स होंगे, फिर नॉमिनी होते हैं उनको, तो वो फॉर्म फिल करते हैं, फिर वो सेलेक्ट होते हैं, और जो होते हैं जो सिलेक्शन हो जाता है जिनका इलेक्शंस के लिए कि वो नॉमिनेट हैं, खड़े हो सकते हैं अपनी पार्टी से, तो वो लोग फिर क्या करते हैं, पार्टी को एडवर्टाइज़ करते हैं और अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि वोट्स उन्हें मिलें, और फाइनल स्टेज ये होता है कि वोटिंग होती है। ठीक है, तो वोटिंग जो पब्लिक होती है वोट करने कहाँ जाती है, पोलिंग बूथ पे। पोलिंग बूथ उसको बोलते हैं जहाँ वोटिंग होती है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है वो गवर्नमेंट की। दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, और हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन डे। एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो अ नियर बाय पोलिंग बूथ, और जिस भी इंसान का नाम पोलिंग वोटर्स लिस्ट में होता है वो उस पोलिंग बूथ पे जाके क्या करता है, वोट दे के आता है। लेकिन जिसका नाम सपोज कोई 18 का अभी हुआ है और उसका पोलिंग वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो वोट नहीं दे सकता। ये कंपलसरी है कि वोटर लिस्ट में नाम होना ही चाहिए। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर, और जैसे ही कोई भी वोटर होता है जो मतलब देता है वोट, वो अगर बूथ पे जाता है जहाँ वोट होते हैं उसको बूथ बोलते हैं, ठीक है, बूथ पे जाएगा तो उसके बाद अंदर उसको इलेक्शंस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो मिलते हैं, और वो उसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं कि क्या वो सही इंसान है, मतलब जिस किसी का नाम अगर ए है तो वो चेक करेंगे कि ए ही है, फेस मिलाएंगे और फिर आप वोट दे सकते हैं। पुट हर मार्क ऑन हर फिंगर, और उसके फिंगर पे एक मार्क लगाएंगे जिससे जो मिटता नहीं है आसानी से 3-4 दिन तक, जिससे ये होता है कि अब वो दोबारा वोट आके नहीं दे सकता। एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और फिर उसको अलाउ करेंगे कि वो अपना वोट दे सकता है। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ, एक एजेंट बैठा होता है पोलिंग बूथ पे, एंड एंश्योर दैट द वोटिंग टेक प्लेस इन अ फेयर वे, और वो ये चेक करता है कि जो वोटिंग हो रही है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रही है, मतलब उसमें कोई भी गलत काम नहीं हो रहा। आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री, क्या ये इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो सकते हैं, कैसे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज़ स्पेंट इन कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है मनी का, मतलब बहुत सारे पैसे जो हैं खर्च हो जाते हैं कंट्री के इलेक्शंस करवाने में। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट स्पेंट अबाउट रुपीज़ 3,500 crores इन कंडक्टिंग लोकसभा इलेक्शंस इन 2014। अगर हम देखें तो 3,500 crores गवर्नमेंट के स्पेंड खर्च हो गए थे लोकसभा के इलेक्शंस कराने में 2014 में। दैट वर्कर्स आउट ऑफ अबाउट ₹40 पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट, और अगर हम देखें तो वो एक पर्सन के ऊपर कितने का एक्सपेंडिचर आता है पर पर्सन, ₹40। द अमाउंट स्पेंड बाय पार्टीज एंड कैंडिडेट्स वॉज मोर देन वॉट द गवर्नमेंट स्पेंड, और जो भी गवर्नमेंट का खर्चा हुआ था उसके अकॉर्डिंग तो पार्टी ने बहुत ज़्यादा ही खर्च कर दिए थे। रफली स्पीकिंग द एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट्स वॉज अराउंड ₹30,000 crores ऑफ ₹5,000 पर वोटर। अगर हम देखें तो ₹500 पर वोटर पे खर्चा करती है गवर्नमेंट, लेकिन इसकी जगह जो पार्टीज थी उन लोगों ने ₹30,000 crore का खर्चा कर दिया था। सम पीपल से दैट
30 करोड़ का खर्चा करा था कहीं ना कहीं. सम पीपल से दैट इलेक्शंस आर अ बर्डन ऑन अवर पीपल दैट अवर पुअर कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू होल्ड इलेक्शन. कुछ लोगों का कहना है कि हमारी कंट्री इतनी पुअर है कि वो इलेक्शंस का खर्चा भी नहीं उठा सकती. कैन नॉट अफोर्ड टू होल्ड इलेक्शंस वंस एवरी 5 ईयर, कि जो 5 साल में एक बार होता है काम, यानी कि 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं, वो उसका खर्चा भी नहीं उठा पाती हैं. लेट अस कंपेयर द एक्सपेंडिचर विद अदर फिगर्स. हम देखते हैं अब कुछ फिगर्स देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि लगभग कितना खर्चा आता है. इन 2005 अवर गवर्नमेंट डिसाइड टू बाय 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स फ्रॉम फ्रांस. 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा था कि वो 5 न्यूक्लियर सबमरीन, मतलब जो अंडर वाटर रहती है ना सेफ्टी के लिए, वो खरीदेगी. ईच सबमरीन कॉस्ट अबाउट ₹3 करोड़, और एक सबमरीन की कॉस्ट थी 3 करोड़. दिल्ली होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010. दिल्ली ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स कराए थे. दिस एस्टिमेट फॉर इट्स कॉस्ट इज अराउंड 20 करोड़, और इसकी कॉस्ट थी 20 करोड़. आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव यू डिसाइड. तो अब हम इसके बेसिस पे देख सकते हैं कि इलेक्शंस क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. तो हम देख सकते हैं येस दे आर एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि हमने अभी जो भी देखा वो कंट्री के कहीं ना कहीं फ़ायदे के लिए है, लेकिन इलेक्शंस में क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल पे होने, तो इतने मनी खर्च करना शायद ज़रूरी नहीं है, हम कम में भी कर सकते. इलेक्शंस रिजल्ट इन गुण, फिर इलेक्शन के बाद जो इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, इस एक्टिविटी में आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाए गए हैं. अर्लियर द वोटर्स यूज टू इंडिकेट हु दे वॉन्ट टू वोट फॉर द पुटिंग अ स्टैम्प ऑन हर बैलॉट पेपर. पहले क्या होता था कि उनका जो बैलॉट पेपर होता था, मतलब एक पेपर होता है जहाँ ये नोटिस होता है कि किसने किस पार्टी को वोट दिया, तो पहले बैलॉट पेपर पे एक स्टैम्प लगाई जाती थी जिससे ये पता चल जाता था कि इसने कौन सी पार्टी को वोट दिया है. अ बैलॉट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद पार्टी नेम एंड सिम्बल्स आर लिस्टेड. बैलॉट पेपर क्या होता है? बैलॉट पेपर होता है एक पेपर होता है जिस पे सारे जो भी लोग होते हैं ना उनका नाम लिखा होता है और पार्टी का नाम, ठीक है, उस पार्टी के आगे उनका नाम लिखा होता है कि इस पार्टी से कौन है, इस पार्टी से कौन है. लाइक हमारे पास 3 पार्टी हैं, ABC, तो ए से कौन है, बी से कौन है और सी से कौन है, तो इस तरीके से उनके आगे नाम लिखा होता है, उनका सिंबल बना होता है, तो इसे बोलते हैं बैलॉट पेपर. नाउ अ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स. पर अब वो बैलॉट पेपर का सिस्टम ख़त्म हो गया है और न्यू टेक्निक आई है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM, जिस पे ये चीज़ जो हमने अभी बैलॉट पेपर पे देखी कि पार्टी और उनके पर्सन का नेम, जैसे हम ऊपर एक्टिविटी में देख सकते हैं कैंडिडेट और पार्टी, ये दोनों चीज़ प्लस में इनके सिंबल्स उस EVM पे बने होते हैं, और उसके साइड में एक बटन होता है जिसका बटन हम दबाएंगे उस पार्टी को वोट चला जाता है, और ये सब रिकॉर्ड किस में होता है? EVM में. द मशीन शोज़ द नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल्स. तो मशीन के ऊपर ही होते हैं पार्टी का नेम, कैंडिडेट का नेम और उनका सिंबल. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल. और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी के नहीं होते, तो उनके अपने अलग सिंबल्स होते हैं. अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन, और ये कौन अलॉट करता है? इलेक्शन कमीशन. All that the voter has to be press the button against the name of the candidate she wants to give her vote. और जो भी वोटर होता है उसको उस पार्टी के आगे का बटन दबाना होता है जिसको वो वोट करना चाहता है. All that the voter has to do press the button against the name of the candidate she wants to give her vote. Once the polling is over, और जैसे ही वोटिंग एक बार ख़त्म हो जाती है, अराउंड 4 or 5 o'clock तक एक दिन वोटिंग होती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है. ऑल द EVMs आर सील्ड. जितनी भी EVM होती हैं उनको सील कर दिया जाता है, मतलब सील्ड पैक, जिन्हें कोई नहीं खोल सकता, गवर्नमेंट ऑफिसर ही खोलेंगे. एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस, और एक सिक्योर्ड प्लेस पे ले जाया जाता है जिसे कोई देख नहीं सकता और छेड़ नहीं सकता.
इवन किसी को पता भी नहीं होता वो कहाँ ले जाए जाते हैं। अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स्ड डेट, और फिर कुछ दिन बाद एक डेट फिक्स की जाती है, ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर ओपन, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ से सारे ईवीएम की परमिशन मिलती है और वो ओपन किया जाते हैं जो सिक्योर्ड जगह पे रखे गए थे, एंड द वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड, और फिर हर वो कैंडिडेट के वोट काउंट होते हैं कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट आर प्रेजेंट देयर इज़ टू एंश्योर दैट द काउंटिंग इज़ डन प्रॉपरली, और जहाँ काउंटिंग करते हैं वहाँ भी एक एजेंट होता है इलेक्शन कमीशन का, जो ये ध्यान रखता है कि जो वोटिंग गिनी जा रही है, मतलब जो काउंटिंग हो रही है, वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो कैंडिडेट जीत जाता है और इलेक्ट हो जाता है उस सीट के। इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोटर्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स टेक प्लेस एट द सेम टाइम, और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी उसी समय पता चल जाता है कि उनने जिसको वोट दिया था वो टीम जीती है या नहीं। ऑन द सेम डे, उसी दिन टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट दिस इवेंट, और पूरी रिपोर्ट स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग से ही टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर पे और रेडियो में। विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, और जैसे रिजल्ट्स आते हैं थोड़ी देर में ये क्लियर होने लग जाता है कि अब किसकी गवर्नमेंट बनेगी या गवर्नमेंट में कौन आएगा। Identify the fair and the unfair electoral practices among the following. और फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर दे सकते हैं कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं। A minister flags on a new train in his constituency a week before polling day. उन्हें एक फ्लैग दिया जाता है उनके सिंबल का पोलिंग डे से कुछ दिन पहले। A candidate's promise that she will get a new train on her constituency if she elected. और उसको प्रॉमिस करना होता है कि अगर वो इलेक्ट होगा तो ढंग से काम करेगा। Supporters of a candidate take the voters to a temple and make them take oath they will vote for him. और supporters जो होते हैं उसके वो temple तक जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं, oath लेते हैं, यानी प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो अपना जो उनका लीडर है उसी को वोट देंगे। The supporters of a candidate distribute blankets in slums in return for a promise for vote. और ऐसे में supporter क्या करते हैं, जो support करते हैं वो है ना, जो slum areas में जो बहुत गरीब लोग होते हैं वहाँ जाके वोट उन लोगों को ज़्यादातर blankets यानी कंबल बांटते हैं या उनकी ज़रूरत की चीज़ बांटते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उन्हीं को वोट दें। What makes elections in India डेमोक्रेटिक, अगर हम देखें तो ऐसी क्या चीज़ है जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है इंडिया में। वी गेट टू रीड अ लॉट ऑफ अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस, न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन रिपोर्ट्स आर रेफर टू सच एलिगेशंस। हमें बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिसमें ये पता चलता है कि इलेक्शंस में ऐसी बहुत सारी गलत बातें हैं जो होती हैं और नहीं होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग, आखिर ये रिपोर्ट होती किस बारे में। इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोगों का कहना है कि नाम किसी और का होता है और वोट कोई और देता है, या वो अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज करवा लेते हैं, उन्हें जिससे वोट दिलवाना होता है वो सिर्फ उसी से दिलवा। मिस इशू ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी, और कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को फैसिलिटी या प्रोवाइड करवाती है जिनको वो खुद चाहते हैं कि गवर्नमेंट में आए। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टी, और जो कुछ बिग पार्टीज़ या ट्रेडिशनल पार्टीज़ होती हैं, मतलब जो सालों से चली आ रही हैं, वो क्या करती हैं, मनी का यूज़ करके लोगों को फोर्स करती हैं कि वो उन्हीं को वोट दें। इमिटेशन ऑफ वोटर्स एंड ड्रैगिंग इन द पोलिंग डे, वो लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ तक खींच के लाते हैं कि वह वोट दें ही दें जिस पार्टी को दिलवाना। मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड अ सच रिपोर्ट्स, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द एवरी पर्पज ऑफ इलेक्शन। ऐसी चीज़ें सुन के सबको बुरा लगता है लेकिन इस बारे में कुछ करा नहीं जा सकता ज़्यादा। दिस बिकम क्लियर इफ़ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन, कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू प्रॉपर नॉट बिकॉज इट्स पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस।
क्या कोई ऐसी टीम हो सकती है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं आए बल्कि इसलिए आए कि उसे पब्लिक के लिए काम करना है? दिस इज़ अ वाइटल क्वेश्चन. लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हम अब इसके बारे में देखेंगे कि क्या ऐसे क्वेश्चन का कुछ आंसर मिल सकता है. क्या ऐसा कोई पार्टी है जो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ लोगों के लिए आए? थैंक यू. इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.